बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम देसी चस्का चैनल देखने वाले नूं खुश आमदीद। अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आई आलू चनियां दी रेसिपी जिहड़ी कि बड़ी मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त बनती है। इहदे वास्ते किस किस चीज़ की जरूरत है, चलो आपां चलने आं रेसिपी की तरफ। 1 किलो उबले हुए आलू जिहड़े कि मैं उबाल के छिल के रख चुकी हाँ। सब्ज़ मिर्चां छोटियां छोटियां बरीक बरीक कटियां हुई। चाट मसाला जिहड़ा कि मैं पानी दे विच हल करके रखिया होया। 1 पाइया काले चने उबले हुए, प्याज कटे हुए 1 पाइया। चलो हम तुहानू बनाउण दा तरीका दसने आ। सब तो पहले आपां डालांगे आलू जिहड़े कि मैं बिल्कुल ही बरीक साइज दे छोटे छोटे कटे हुए ने। इन्हां नू वड्डे तुसीं बिल्कुल नहीं कटना क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे और मज़ेदार भी नहीं लगते। इन्हां नू बिल्कुल ही बरीक बरीक कटना है ताकि चनियां दे उपर लग जाण। एवें उबले हुए 1 पाइया काले चने डाले ने। इस तों बाद मैं डालांगी इहदे विच प्याज जिहड़े कि मैं कट के धो के रख चुकी सा। उस तो बाद मैं डालांगी इहदे विच टमाटर जिहड़ा कि 1 टमाटर मैं छोटे साइज़ का बिल्कुल कट के रखिया होया सी। उस तो बाद मैं इहदे विच डालांगी सब्ज़ मिर्चां जिहड़ियां कि छोटियां छोटियां बरीक बरीक कटियां होईयां सी। देखो किन्ने अच्छे और किन्ने खूबसूरत लग रहे ने और किन्ने अच्छे लग रही ने सब चीज़ा। उस तो बाद डालांगी चाट मसाले का पानी जिहड़ा कि मैं पानी दे विच हल करके रखे हुआ सी ताकि पानी चों दी खटाई मिक्स हो जाए। तुसीं इस तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। उस तो बाद डालांगी थोड़ा जिन्ना नमक, देखो बिल्कुल ही थोड़ा डालिया क्योंकि मैं चनिया च उबालन लग्या डालिया सी ताकि मेरे चने ज़्यादा करारे और ज़्यादा अच्छे बन जाए। उस तो बाद डालांगी चाट मसाला 1 चम्मच, तुसीं कम ज़्यादा भी कर सकते हो। कुछ लोग स्पाइसी खाते ने वो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल बनाए ने, मैं 1 चम्मच ही डालिया है। अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो नू लाइक करना, चैनल नू सबसक्राइब करना और बैल दे निशान नू दबा के आल ते जरूर सैट करना। ये रमज़ान शरीफ का ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा तोहफा मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ। रमज़ान शरीफ की बड़ी अच्छी रैसपी है और बड़ी आसान रैसपी है और बड़ी सस्ती रैसपी है। घर दे विच छोटे वड्डे बड़े शौक नाल और बड़ा पसंद करके खाते ने और बड़े अच्छे लगते ने। देखो किन्ने अच्छे और किन्ने ज़बरदस्त तकरीबन अपने तैयार हो चुके ने और मैं सारे डोंगे दे विच डाल लेने। देख सकते हो घर दे विच बड़ी आसानी नाल और बड़े सस्ते। अगर तुसी आलू चनियां नू फ्रिज दे विच फ्रीज किया हो उबाल के तो अपना टोटली 5 तों 7 मिनट लगते ने, इस तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अपने आलू चने तैयार हो जाते हैं। उस तो बाद डालांगी सब्ज़ मिर्चां 3, उस तो बाद थोड़ियां जिन्हियां मैं धनिया डालांगी उपर। अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट दे विच अपने ख्यालात का इजहार जरूर करिया करो। ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी रेसिपी तैयार हो गई है। फिर मिलांगी एक नई वीडियो के नाल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।